आपने जो बात पूछी, देखिए ये है इंडियन, ठीक है, ओके। एक ब्रॉड आप सब लोगों की और हमारी सबकी क्या आइडेंटिटी है, इंडियन है। अब शचिन थरूर क्या है, पार्लियामेंटेरियन। ठीक है, आम पढ़ने वाला इंडिया में क्या है, स्टूडेंट, ओके। और आप लेकिन क्या हो, आप वो एस्पिरेंट, वो भी किसके किसके एस्पिरेंट हो, पब्लिक सर्विसेज के। पब्लिक सर्विसेज सिर्फ एकेडमिक नहीं है, पब्लिक सर्विस का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस के बाद नहीं है, तैयारी का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। यानी जो प्रिपरेशन है उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है ना जी। अब प्रिपरेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, क्यों है प्रिपरेशन का कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि एक तो इंडिया में इंटेंस कंपटीशन है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ऊपर से इसका ऑरा ज्यादा, इसका चार्म ज्यादा है, इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पागलपन के हद तक, दीवानापन। अब लेकिन जो अपब्रिंगिंग है और जो नॉलेज का डिसेमिनेशन है उसके तरीके बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेज। उसमें फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। फॉर्मल तरीके स्ट्रक्चर्ड हैं और वो थोड़े हैं, इनफॉर्मल तरीके रोज बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट हैं। स्ट्रक्चर तरीके में कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इंजीनियरिंग करके आते हो, मेडिकल करके आते हो, कुछ भी करना उतना करना ही पड़ेगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। इनफाइनाइट में शॉर्टकट ही शॉर्टकट है, शॉर्टकट से व्यू पॉइंट बन सकता है, एटीट्यूड नहीं बन सकता शॉर्टकट से। आपकी लर्निंग, जॉब, फैमिली लाइफ और सो ऑन। तो ये सारी बात बताने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है वॉज ब्रिटिश रूल, रोहित नोट कर ले, इसको लिख के डाल दियो वहां पे, मैडम को दे दियो, वॉज ब्रिटिश रूल बेनिफिशियल टू इंडिया। अभी तो खैर टू अर्ली है ये, लेकिन ज्यादातर बच्चा क्या करेगा, या तो इसके मतलब अगेंस्ट में ही लिखेगा ज्यादातर। लेकिन एग्जाम को क्या चाहिए, क्रिटिकल अप्रोच। उसके लिए चाहिए वोकैबुलरी कि जो बताना है वही बताना है। यानी ब्रिटिश रूल के जो मॉडल थे और जो सिस्टम थे और जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, तो ब्रिटिश को क्या चाहिए, इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। ब्रिटिश को क्या चाहिए, इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे देश को क्या मिल रहे थे, जो ब्रिटिश चाहते थे वो तो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे थे,
और जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे उनसे ब्रिटिश को कोई लेना देना नहीं है। बात समझे मेरी? जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है उससे ब्रिटिश को कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए थॉट प्रोसेस बनना चाहिए आपकी थिंकिंग और आपके वर्क के हिसाब से, और फिर वो आना चाहिए 150 वर्ड के अंदर। ब्रिटिश रूल वॉज बेनिफिशियल टू इंडिया और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बट यू कैन नॉट एवर जस्टिफाई कॉलोनियल रूल। अब इसके बीच में आपको ब्रिज बनाना आना चाहिए। और उसके लिए चाहिए इंटेंसिटी, डेडिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो ब्रिटिश रूल तो बेनिफिशियल कहां पे बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है आप क्या शब्द यूज करोगे, कैसे समझाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आई कुछ? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन प्रिसाइसली यही था कि मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन के अलग अलग हो सकता है। तो मतलब मैं यही है कि जो एग्जामिनर है वो क्या देखना चाह रहा है उसके अंदर। हाँ, तो आपने सकता है कि मैं बिल्कुल, हमारी जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है जो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं, चाहे मैं आपसे टॉक भी कर रहा हूँ, वो सभी एग्जामिनर और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही होगा 99%। जनरल टॉक से पेपर नहीं निकल सकता, क्योंकि जनरल टॉक में वो इंटेंसिटी नहीं आएगी, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। सारे सब्जेक्ट वही हैं, इंफॉर्मेशन भी वही है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट इन द गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स। तो मेरा ये मानना है कि कम समय में ज्यादा सीखिए, बजाय इसके कि आपने बहुत सारा कुछ कुछ सुना है, कुछ कुछ किया है, लेकिन वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। जैसे ब्रिटिश के, अब बताओ आप मुझे ब्रिटिश का इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या था इंडिया में? बोलो। ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए तो ट्रेड ही था। ट्रेड मतलब प्रॉफिट है उनके लिए, ट्रेड भी नहीं है। ट्रेड होता तो हमारा ही फायदा होता ना। तो उनका प्रॉफिट नहीं, उनका प्रॉफिट है इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। इंडिया के लिए उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या था? अरे इंडिया के लिए उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या था? एजुकेशन प्रोवाइड कराया था जैसे। उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था एजुकेशन प्रोवाइड कराना, है? शोषण था मतलब इंडिया क्या? कि मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए इंडिया का शोषण कर, मतलब यूज करना, वो उनका इंटेंडेड था। हाँ मतलब आप लेकिन ऐसे आप लिखोगे तब बात है ना। और बोलो और कोई, रोहित? सोशल डेवलपमेंट का दिखावा करना। लेकिन आप लिख नहीं सकते ना ऐसे, आप लिख नहीं सकते सोशल डेवलपमेंट का दिखावा, ये शब्द आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। मतलब जो डीसी ऑफिस के बाहर चाय वाला है वो तो चार गाली दे सकता है, पर डीसी नहीं दे सकता। तो ऐसे ही एग्जाम की भाषा है। तो क्या था उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस बताओ? तुम तो कुछ तो पढ़ चुके हो पहले ही, या नहीं भी पढ़ा है तो इतना समझ तो आया होगा अब तक। उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था कॉलोनी बनाए रखना और रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन करना। हाँ ये है उनका एक कॉन्सिक्वेंस, मतलब उनका इंटेंडेड है ये, उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कि हाँ नहीं, ये उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये भी नहीं है, कॉन्सिक्वेंस नहीं है ये। उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है, कौन बोलेगा? बोलो ना। हाँ
उनका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कि आप अपने पोटेंशियल को ना रियलाइज कर पाए, आपकी ग्रोथ में बैरियर होने चाहिए, यानी आपकी लिमिटेड ग्रोथ हो। ग्रोथ होगी उसका क्रेडिट मैं लूंगा, और लिमिट का जो है क्रेडिट, लिमिट का ब्लेम किस पे जाएगा? इंडियंस पे। और ग्रोथ का बेनिफिट, मतलब ग्रोथ का जो वो है वो ब्रिटिशर्स को जाएगा। बिल्कुल, दैट इज द इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए इंडिया में क्या हुआ, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन रखा ना उन्होंने। इंडिया में क्या था, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ब्रिटिश रूल के? बोलिए। सबसे बड़ा तो यही था कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोर्स ऑफ गुड मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कह रहा है वैभव? मैं कह रहा हूँ कि मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो आप मानते हैं कि अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो इंडिया यूनिफाई नहीं होता? हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, शायद थोड़ी थोड़ी की थी, लेकिन आगे देखेंगे। तो आप ये मानते हैं कि इंडिया अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो यूनिफाई नहीं होता? हाँ, गलत मानते हैं यहाँ पे। ब्रॉडर सेंस में चलो देखेंगे, वी विल टेक अप दिस क्वेश्चन अगेन। सचिन ने जो कल बोला था उसके आगे मैंने एक पॉइंट और आगे बढ़ा दिया। अब और कुछ इसमें? बोलिए बोलिए।